छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा अजमेर यूनिवर्सिटी में किया विरोध प्रदर्शन सौंपा ज्ञापन। डिडवाना छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल ने एमडीएसयू यूनिवर्सिटी अजमेर में छात्र नेता मुकेश कीचड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें रमेश महला सतपाल नोजल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुलपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें मांग की गई है कि बीएबीएसी के जारी हुए खराब परिणाम को पूर्ण जारी करने की मांग की गई, जिसमें आश्वासन दिया गया कि बीएसी के विद्यार्थियों की गणित की कॉपियां 10 दिन में पुनः जांच की जाएगी, सभी विद्यार्थी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दे सुधार किया जाएगा। वही बीए फाइनल का जिनका रिजल्ट रोका गया उनका कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों के वापस फॉर्म लेके अजमेर से परिणाम जारी कराएंगे। इस मौके पर राजू थालोड़, अजयपाल भाकर, सुरेश पचार, दिनेश कीचड़, लोकेंद्र चोयल, सहीराम सांगवा, सूर्य प्रकाश पावडिया, सुनील लोमरोड, मुकेश बिजारनिया, सचिन, अंकित थालोड़, राजू काजला, मनोज आदि उपस्थित रहे। टीम है पूरी डीडवाना की, वो आए हैं और मिर्जा कॉलेज से भी छात्र संगठन वासुदेव बांधा के नेतृत्व में अनेक छात्र आए हैं। तो हमारी पहली मांग ये थी कि जो बीएससी का रिजल्ट आया था बिल्कुल आज तक जब से हमारा भांगड़ कॉलेज चल रहा है इतना खराब परिणाम आज तक नहीं रहा। बीएससी मैथ के अंदर प्रथम पेपर में जीरो अंक आए, लगभग 50% के, और लगभग 70% विद्यार्थी फेल है, और टोटल पेपर तो कुछ एक लगभग 10-15 बच्चों के पास है। और जो कल बीए का आया फाइनल का रिजल्ट उसमें RWEX आया, उसका परीक्षा परिणाम रोक लिया है बिना गलती से। रेगुलर विद्यार्थियों का किसी हालत में परिणाम नहीं रुकता, आज तक नहीं रुका है, उनका रोक लिया। तो हमारी मांग यही है कि बीएससी का पुनः रिजल्ट जारी करे, और जिनका बीए फाइनल के अंदर रिजल्ट रुका है उनका कॉलेज प्रशासन अपने